गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हो गया है लेट। सुबह के बज गए 6 और अभी तक मैं निकला नहीं था। बाकी रोज़ मैं मॉर्निंग 3:30-4 बजे निकल जाता हूँ। और ये जो अंकल है ये पद यात्री है, ये यहाँ से पैदल वैष्णो देवी जाएंगे। तो अभी मैं हूँ किशनगढ़ से आगे और सुबह 6 बजे चांदियावास बालाजी मंदिर से निकल गया था। और अभी मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम जी मंदिर। और खाटू श्याम जी का मंदिर यहाँ से 140 किलोमीटर है। और सुबह सुबह रास्ते में मैं कुछ जगह पर रुका, वहाँ पे सबने शिव लहरी के साथ में फ़ोटो खींचा है, सेल्फी भी। मतलब बहुत ही वहाँ पे लेट हो गया था क्योंकि वहाँ के मतलब पब्लिक जाने भी नहीं दे रही थी। और वहाँ पे काफ़ी देर तक हम लोग बैठे भी सही, बट आज का दिन मॉर्निंग उसकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से शुरू हुई है। खाटू श्याम जी का मंदिर महाभारत में जो भीम के पुत्र थे गटरगच्छ और उनका जो पुत्र था बरबरीक, तो बरबरीक जी का वो मंदिर है। और बरबरीक एक ऐसे योद्धा थे जो जिनकी पूरी कहानी मैं आपको खाटू श्याम जी मंदिर पे जाके बताऊंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और खाटू श्याम जी यहाँ से 140 किलोमीटर दूर है। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे जा रहा था तो एक ट्रक ड्राइवर मिले, दिलीप भाई पटेल। तो उन्होंने मेरे टी शर्ट के पीछे मेरा नाम देखा कि अहमदाबाद टू केदारनाथ, तो उन्होंने साइड में ट्रक रोका और मुझे वहाँ पे खड़ा रखा। और बस उनको मेरे साथ में एक सेल्फी लेनी थी। तो ये है दिलीप भाई पटेल। दिलीप भाई पटेल, एक बार महादेव के नाम क्या बोलोगे? हर 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 महादेव हर महादेव। महादेव। तो दोस्तों, दिलीप भाई पटेल काफ़ी महादेव के बड़े भक्त हैं। तो जैसे उनको पता चला केदारनाथ की मेरी यात्रा पे जा रहा हूँ साइकिल लेके, तो उन्होंने बोला कि यार आप इतने दूर से आए हो, दूर रहता है, तो काफ़ी अच्छा आपने स्ट्रगल किया है, काफ़ी अच्छी आपने मेहनत की है। तो फ्रेंड, मैं किशनगढ़ से जा रहा था तो हाईवे पे एक मुझे शॉप दिखी हैंडीक्राफ्ट की। और किशनगढ़ के जो मार्बल है जो देश विदेश में हर जगह फेमस है, तो एक सर की दुकान थी। तो उनसे मैंने पूछा कि किशनगढ़ के मार्बल में ऐसी तो क्या खासियत है जो सब लोग की जो चीज़ें हैं वो लेने के लिए आते हैं। तो चलिए आज हम उनसे बातें करते हैं हैंडीक्राफ्ट के बारे में। तो आप ये देख रहे हो सब कुछ उन्होंने जो यहाँ के जो मार्बल्स है उसे मंदिर है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो अच्छी अच्छी जो शोकेस में रखने जैसी भी है, घर यूज़ करने के जैसी भी है, आप घर में भी यूज़ कर सकते हो वो भी है। तो यहाँ के जो मार्बल है और मार्बल से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हम इनके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे कि ऐसा तो क्या है जो किशनगढ़ के मार्बल इतने फेमस है और लोग यहाँ पे जब भी आते तो कुछ ना कुछ खरीदी करके जाते हैं मार्बल के लिए। आप जैसे देख सकते हो ये छोटी से छोटी चीज़ें, जैसे ये घड़ी है, मंदिर है, प्राणी है, सब कुछ मतलब मार्बल का ही बना हुआ है। तो यहाँ के जो ओनर है लक्ष्मण भाई गुर्जर, तो हम पूछते हैं लक्ष्मण भाई जी, या ऐसा तो क्या है जो किशनगढ़ के जो मार्बल है वो ज्यादा फेमस है, आप जरा उनके बारे में मुझे बता सकते हो? जी, यहाँ का फेमस एक तो सबसे बड़ा ब्रांड है, पीला नहीं पड़ता है, कभी तो काला पीला नहीं पड़ता है, अच्छी क्वालिटी है, पूरी विश्व के अंदर नंबर वन पे आता है ये मकराना मार्बल। पूरी विश्व बनाए जाते हैं, ये गिलास बनाए जाते हैं मकराना मार्बल के, व्हाइट में वन ही पीस में है, कोई जॉइंट जॉइंट नहीं है, एक ही पत्थर में बनाया जाता है ये। तो ये जो ग्लास है एक ही पत्थर से बनाया जाता है। जी, और जी, इस ग्लास की ये खासियत है ये कभी पीला नहीं पड़ता, कभी नहीं पीला पड़ता। मार्बल ऐसे होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। जी, जी, पर मकराना के जो मार्बल से वो कभी पीले नहीं पड़ते, कभी नहीं पड़ता। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 5 बजे और मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम जी मंदिर की तरफ। और सुबह सुबह में चाय तो पी लिया, बट हमारे जो स्वानराज बैठे थे वेट करके कि कुछ हमें भी मिले। तो गाइस, फाइनली मैंने कहा था ये पत्थर के नहीं बिस्किट के भूखे होते हैं, तो इनको पत्थर मत मारो, बस बिस्किट खिला दो, कितने खुश हो जाएंगे और हमारी यात्रा भी बहुत ही सुखद में जाएगी और सफल जाएगी। फाइनली फ्रेंड, सुबह का उजाला हो चुका है, आप देख रहे हो कितना अच्छा सूरज दिख रहा है। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम जी के मंदिर पे। और खाटू श्याम जी के मंदिर पे जाने के लिए मुझे जाना होगा मोखमपुरा। मोखमपुरा यहाँ से है 10 किलोमीटर और वहाँ से मेरा रूट चेंज हो जाएगा।
फाइनली इतना अच्छा रोड क्रॉस करने के बाद मैं आ गया हूँ बंदे बालाजी हनुमान जी टेम्पल। बंदे बालाजी हनुमान जी टेम्पल बहुत काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, और ख़ास करके ये मंदिर देखने के लिए मैंने ये रास्ता चुना था, और बहुत ही बड़ा मंदिर है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा फेमस भी है। तो मैं कोशिश करूँगा मंदिर को अंदर से आपको दिखा सकूँ, अगर अंदर कैमरा अलाउड नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको मंदिर के दर्शन अंदर से करवा सकूँ। तो फिलहाल यहाँ पे एक बंदे बालाजी मंदिर, हनुमान जी का भी मंदिर है और यहाँ पे एक शिव जी का भी मंदिर है। तो चलो चलते हैं मंदिर की तरफ। तो ये है यहाँ का बंदेश्वर महादेव मंदिर। बंदेश्वर महादेव मंदिर और नीचे भी मंदिर है, हम जाएंगे नीचे। ये नीचे की छोटी सी शिवलिंग महादेव जी की। तो ये है बंदेश्वर महादेव जी और ये है साई धाम बंदे बालाजी में। ये साई बाबा जी का मंदिर, ये है बंदे बालाजी का मंदिर और ये बालाजी की ज्योत हमेशा प्रकट ही रहती है। तो ये है बंदे बालाजी का 500 साल पुराना मंदिर, आप देख रहे हो मंदिर काफी बड़ा मंदिर है। और मैं जाऊंगा मंदिर की और मैं जा रहा हूँ मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो मंदिर के अंदर का परिसर और यह है मंदिर के अंदर का परिसर। ये हनुमान जी की मूर्ति, तो आप सबने देखा बंदे बालाजी का हनुमान जी का मंदिर, काफ़ी बड़ा मंदिर, काफ़ी विशाल मंदिर और काफ़ी अच्छा। यह है बोल रहे हैं मुझे आपकी साइकिल चलानी, क्योंकि आप केदारनाथ जा रहे हो तो थोड़ा मुझे भी पुण्य मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इनको मना भी नहीं कर सकता, तो भैया मेरी साइकिल चला रहे हैं। तो काफ़ी मतलब मैं आया, मुझे बोला आप साइकिल लेके आए बैठो, फिर साथ में बैठ के हमने चाय पिया और भैया को साइकिल का राउंड लगाना था, भैया ने साइकिल का राउंड लगा दिया। हनुमान जी और शंकर भगवान की बड़ी विशाल मूर्ति। आज यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, शॉर्टकट आने के चक्कर में गलत रास्ता चुन लिया। अब ये रास्ता इतना ख़राब मुझे मिल गया, ये लास्ट 3 किलोमीटर मैंने ऑलरेडी काट लिया है और 2 किलोमीटर और बाकी है। और शिवलहरी छाया में पेड़ के नीचे खड़ी है और फिलहाल मैं यहाँ पे ना ही कुछ खाना है, ना ही कुछ होटल है, कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल आज तो लंच हो नहीं पाएगा, कहीं होटल नहीं है, कुछ भी नहीं है, चाय की किटली भी नहीं है। तो आज हम तरबूज से काम चलाएंगे, आज का लंच तरबूज से फिनिश, क्योंकि 4 किलोमीटर हमको और पैदल चल के ये रास्ता क्रॉस करना है। तो फिलहाल तरबूज से काम चलाइए आज। आज के लंच में तरबूज खाने के बाद वापस यही कच्ची सड़क जो मुझे पैदल चलना चाहिए, बट मैं धीरे धीरे साइकिल चला के इसको क्रॉस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने गलती ये की कि किसी से रास्ता पूछा नहीं और गलत रास्ते पे आ गया। 17 किलोमीटर मैंने रॉन्ग साइकिल चलाई। सर जी मैं खाटू श्याम जा रहा हूँ। अच्छा, साइकिल से? साइकिल से जा रहा हूँ। वाह यार, वेरी गुड, थैंक यू। अभी जैसे मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। अच्छा, बट अभी पहले मैं खाटू श्याम जी दर्शन करके फिर हरिद्वार जाओगे? हरिद्वार जाऊँगा। एक्चुअली क्या वो रास्ता गलत मैंने पकड़ लिया। हाँ पता है, वो भाई साहब ने बोला मेरे को आगे थोड़ा सा चलना है, बस 1 किलोमीटर बाद बढ़िया रोड। ऐसा क्या सर? एक नंबर रोड। ठीक है ठीक है सर, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं वहाँ पे गया था, बंदे हनुमान गया था। अच्छा, तो वहाँ से वो रास्ता निकलता है जोबनेर के लिए, सीधा रास्ता आ जाता है। अरे सर वो भूल मतलब गलती हो गई और मैं ये रास्ते मैंने पकड़ लिया। अच्छा, तो कितने दिन का टूर है आपका?
सर है 2 से 2.5 महीने का सर। 2 से 2.5 महीने चलोगे? हाँ समथिंग कितना हो जाएगा सर कम से कम? क्या नाम से आपके ये जो पेज? सर मेरा नागर ब्लॉग्स करके है सर। नागर ब्लॉग्स? हाँ सर। यूट्यूब पे? हाँ यूट्यूब पे सर। बिल्कुल मैं आज करूँगा फॉलो। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, बाय सर। तो फिलहाल ये रोड से जा रहे थे तो ये हमारे इंजीनियर साहब है। हाँ चलो ठीक है, इंजीनियर साहब है। तो ये रोड कब तक बनेगा पता नहीं, अभी यहाँ पे तो अभी माल आने पे पता चलेगा वो। तो अभी मुझे यहाँ से कितने तक ये ऐसा ये रोड से मतलब निकलना पड़ेगा? ये आपको 4-5 किलोमीटर तो 4-5 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, फिर भी हम देखते जितना हो सके उतना जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है तो चलो ठीक है। तो फाइनली अब तो दोस्तों मैं ऐसे निकल रहा था तो देखा एक पानी का पर्व जो हमारे शहर में मिल्टन रखते हैं, लेकिन गांव में देसी जुगाड़ के द्वारा ये मिल्टन बनाया हुआ है। और ये जो जिन्होंने बनाया है उनका नाम है राजेश भाई, और साथ में उन्होंने प्राणियों के लिए ये अलग से होज बनाया हुआ है कि जो आवारा जो बाहर के जो प्राणी होते हैं वो पानी पी सके। तो ये है राजेश जी जिन्होंने पानी का पर्व बनाई है, और ये गाय के लिए अलग से एक कुंड बनवाया हुआ है। तो ये कुंड राजेश जी आपने किस लिए बनाया हुआ है? ये तो आवारा पशु रहते हैं आसपास नजदीक में, खूब पशु रहते हैं, पानी वगैरह पीते हैं इसमें। और ये जो प्याऊ है जो रोड पे आते जाते रहते हैं, साधनों वाले हैं, कोई यात्री है, उनके लिए पीने का पानी की व्यवस्था कर रही है। तो हमारा जो है सेव एनिमल सेव बर्ड्स, तो हम वही चीज ढूंढ रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो प्राणियों के बारे में कितनी सेवा करते सेवा नहीं करते। और मैं हमेशा हर रास्ते में जाते वो यही नोटिस करता रहता हूँ कि मेरा सेव बर्ड्स एंड सेव एनिमल्स मेरे जैसे कितने हैं जो प्राणियों के बारे में अच्छी सोच रखते हैं। तो थैंक यू राजेश भाई, और इनका मुझे प्लान बहुत काफ़ी अच्छा लगा जो उन्होंने प्याऊ भी बनाई है और एक कुंड भी बनाया हुआ है प्राणियों के लिए, और इनका ऐसे। तो फ्रेंड मैं जो रास्ते में फंसा था वहाँ से जब मैं बाहर निकला और यहाँ पे जब ये जोबनेर चौराहे पे मैं आया तो भाई सब ने मुझे देखा और मुझे बुलाया, और यहाँ पे हमने गन्ने का जूस पिया सबके साथ में मिलके, और काफ़ी सारी बातें भी की, और उनको मेरा ट्रैवलिंग, और अभी जो मैं गर्मी से जो मैंने साइकिल क्रॉस किया उन्होंने ये भी मुझे कहा था कि आखिर रास्ता ख़राब था आपने साइकिल क्रॉस कैसे की। तो अच्छा लगा मुझे, इन्होंने मुझे अच्छा थोड़ा मोटिवेट किया, मुझे सपोर्ट किया। तो आप सबका क्या कहना है? हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपकी यात्रा सुकुशल मंगलमय हो। थैंक यू। हर हर महादेव। तो गाइस आज का मेरा नाइट होल्ड रहेगा रेनवाल में नीलकंठ महादेव मंदिर, जहाँ पे महाराज जी से बात किया था और उन्होंने मुझे यहाँ पे रहने के लिए जगह दी है। और यहाँ महादेव जी की सबसे बड़ी शिवलिंग है, और ये है महादेव जी की शिवलिंग मंदिर, महाराज जी बैठे हुए, माँ लक्ष्मी दुर्गा माता का मंदिर, और ये मेरी सिव लहरी। आज बहुत ही तकलीफ हुई है तो आज मैं नाइट इधर ही रुकने वाला हूँ मंदिर में। तो फ्रेंड आज का दिन तो मेरा बहुत ही खराब रहा, बट कुछ भी हो शाम के टाइम में शिव शंभू महादेव ने अपने चरणों में मुझे बुला दिया, और अभी मैं महादेव जी के चरणों में उनके मंदिर श्री नीलकंठ महादेव में आराम कर रहा हूँ। और मैं सुबह खाटू श्याम जी के मंदिर में, और अगली वीडियो रहेगी हमारे खाटू श्याम जी के मंदिर की। तो यहीं मैं अपनी आज की वीडियो समाप्त करता हूँ।